मार्केट डेली में हम लोग देखेंगे कि 23 जनवरी को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी और जिस स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मूवमेंट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं, डेली व्यू वीकली व्यू और टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो रहते हैं, वो देख के आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि 23 जनवरी को मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो आज देखिए जैसा कि निफ्टी 62 पॉइंट डाउन है और बैंक निफ्टी 246 पॉइंट डाउन है। जैसा हमने सोचा था कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है निगेटिव है वो मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। हम लोग चार्ट के ऊपर भी देखेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा ये चार्ट बड़ा करके देखेंगे। तो यहाँ पे निफ्टी में आप देख रहे हो कि जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था पहले ही किया हुआ है, बरोबर आज उधर आके मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। जैसा हमने कल मार्केट के लिए बाय और सेल का जो लेवल लगाया था 12,214 के ऊपर बाय और जो सेल था अपना 12,162 के नीचे सेल। तो देखिए कि यहाँ से बरोबर सेल होके यहाँ तक नीचे आ गया। मैं आपको इंट्राडे में भी बताऊंगा। मार्केट का जो सेंटीमेंट है निगेटिव है, ये बड़ा मरुभूजो कैंडल आने के बाद मैंने कहा था कि अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो ये मार्केट के लिए निगेटिव है। तो हम लोग कंप्लीटली टेक्निकल देख रहे हैं और टेक्निकल फॉलो कर रहे हैं। तो इस वजह से आपको मार्केट जैसे कि हम लोग एज ए निगेटिव फॉलो कर रहे हैं तो आपको प्रॉपरली प्रॉफिट होगा ही। यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट लिया है, यानी यहाँ पे क्लोज हो गया। इसको सपोर्ट नहीं बोल सकता, उसके नज़दीक क्लोज हुआ है, लेकिन ये लो ऑफ द डे के आसपास ही क्लोज हुआ है। थोड़ा मैं आपको इंट्राडे में भी बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे इंट्राडे में भी तो जो लेवल हमने दिया था जहाँ पे बाइंग के लिए, तो मार्केट यहाँ से खोल के नीचे आया, राइट। और अब अपना सेलिंग का लेवल था, देखिए यहाँ पे एक बार नीचे भी आ गया, उसके रिटेस हो गया, फिर से आपको नीचे मौका मिला। तो आपको सेलिंग का मौका अच्छा मिला और वहाँ पे मार्केट अच्छा भी गया। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर बाइंग का दिया तो नीचे से ऊपर जाके वहाँ पे रिटेस करके ऊपर जाना चाहिए। तो इसमें मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं अगर ऐसे ऊपर जाने के बाद अपना टॉप लॉस क्या होगा। तो ये आपको जो लो रहेगा उसको आप नज़दीक वाला टॉप लॉस लगा सकते हो। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं ये जो लो रहता है उसका थोड़ा सा एक बफर रह के आप नीचे टॉप लॉस लगा सकते हो। तो यहाँ पे उल्टा हुआ, जहाँ पे बाइंग दिया था वहाँ से ऊपर से नीचे आ गया, तो यहाँ पे अपना बाइंग नहीं बनता है। लेकिन जहाँ पे हमने सेल दिया था उसके नीचे जाता है, आप तुरंत सेल कर सकते हो। जब भी यस्टरडे का लो देखो ब्रेक हुआ तो कितना जोर से नीचे आ गया, उसके बाद रिटेस होगा और फिर से नीचे आएगा तभी आप उसको सेल कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे आने के बाद ऊपर आने के बाद फिर से सेल को होता है, तो आप ये जो हाई है इसको आप टॉप लॉस ट्रिगर ट्रीट करते जाते हैं। यहाँ पे फिर से इतने ये हाई बना, इसको भी आप ट्रेल करके जाते हैं, तो आप नीचे तक उसको लेके जा सकते थे। तो अभी निफ्टी का जो नेक्स्ट मूवमेंट क्या आएगा हम लोग देखेंगे डेली के चार्ट के ऊपर। तो देखिए निफ्टी ने यहाँ पे ये जो ये था गैप था, तो ये जो गैप है ऑलमोस्ट इसने 50% जो है कि ये भरा हुआ है। तो कभी भी मार्केट गैप छोड़ के जाता है वो भरने को आता है, अभी ये 50% छोड़ेगा नहीं तो ये पूरा गैप भरेगा ही, तो हमको नेक्स्ट लेवल उससे मिल भी जाता है। और एक जो नेगेटिविटी है मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, तो हमको कल भी निफ्टी में अगर शॉर्ट जाना है 12,086 के नीचे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। पहला टारगेट 12,046 ये आ जाएगा, नज़दीक वाला है। अगर वो ब्रेक होता है तो नीचे वाला टारगेट 11,987 का एक आ सकता है। हमको फिर से निफ्टी में बाइंग जाना है तो ये जो लेवल है 12,133 के ऊपर आप उसमें बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो टारगेट है 12,162 का आ सकता है। अभी यहाँ से जब पॉजिटिविटी अच्छा देखना चाहते हो तो ये जो है 12,214 के ऊपर इसको आना चाहिए। अगर कल ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, अगले दो दिन नीचे सस्टेन करेगा तो मार्केट और भी पैनिक हो सकता है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन रहता है इसका एक अप ट्रेंड है, ये ब्रेक हो सकता है और नज़दीक वाला लो भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे नज़दीक आ रहा है। अभी जो सेंटिमेंट बना है यहाँ से तो निफ्टी जो है कि क्लियरली आपको नेगेटिव दिखा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो हम लोग बैंक निफ्टी को जूम करके देखते हैं, तो एज जैसा हमने सोचा था बैंक निफ्टी भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है, कुछ भी उसमें ये नहीं है। तो देखिए कि ए लेवल के ऊपर 30
0.099 जो लेवल कल ब्रेक किया था जो कि नेक लाइन था, और उसके ऊपर अगर जाता तो बाय था और सेल था 30,849 के नीचे। तो हम लोग ये इंट्राडे में भी देखेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ। अगर मैं आपको जैसा बोलता हूँ कि 30,991 ये लेवल है, उसके ऊपर जाता है तो बाय करना है, तो ऊपर से यहाँ से नीचे आया तो, और जो अपना सेलिंग लेवल था उससे भी ये नीचे आ गया, और ये आने के बाद निफ्टी जैसे ही उसने आपको यहाँ पे सेलिंग का सभी ये बताया। तो अगर आप प्रॉपरली टेक्निकल फॉलो करते हो, प्राइस फॉलो करते हो, तो आपको बाय या सेल का जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा मार्केट में वो बहुत अच्छी तरह मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी का क्या लेवल हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी जो है कि ऑलरेडी जो एडन शोल्डर का नेकलाइन बना था उसके नीचे ही यहाँ पे शुरुआत कर रहा है। अभी कल के लिए 30,618 के नीचे यहाँ पे जाता है, आप उसको सेल कर सकते हो। अगर बाइंग के लिए नज़दीक वाला आपको लेवल बता दो 3849 के नीचे यहाँ पे सॉरी ऊपर बाइंग कर सकते हो। अगर अच्छा लेवल चाहिए तो 31,165 के ऊपर जाता है तो ही बाइंग करोगे, तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ उसको मिल सकता है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहाँ पे उसका हमारा सेंटीमेंट बिल्कुल मैच हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में देखेंगे कि मैंने आपको कहा था कि अगर वो 1543 के ऊपर जाते तो बाय करना है, और शॉर्ट के लिए 1522, तो 1543 यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंट्राडे में उसने क्या किया था। तो यहाँ पे देखिए 1543 के ऊपर गया लेकिन कोई सस्टेन नहीं किया, यानी ऊपर जाने के बाद कोई भी एक 15 मिनट इसे होल्ड नहीं किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे ही आ गया। तो इसमें बाय और सेल का दोनों भी ट्रेड नहीं बना। कल को आपको देखना है तो थोड़ा हमारा ये लेवल ऊपर करना पड़ेगा, और 1547 के ऊपर जाता है तो ही आप उसमें बाइंग कर सकते हो। सेल के लिए मैं 1522 का ही लेवल रखता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा लेवल है, अगर वो ब्रेक होता है अच्छा सेलिंग इसमें मिल सकता है। कल हमने कुछ स्टॉक के बारे में आपको ये बताया था, तो इंट्राडे में कोई स्टॉक हमने देखे थे, यहाँ पे कोटक बैंक जो है यहाँ पे हमने बाइंग के लिए देखा था। तो देखे कि ये कोटक बैंक यहाँ पे ऊपर से ओपन होगा और नीचे आया, तो यहाँ पे बाइंग कभी होता है जब नीचे से ऊपर जाता है तभी हम लोग उसके बाइंग में सोचते थे, तो यहाँ पे ये वर्क नहीं हुआ। और डॉक्टर रेड्डी है इसमें थोड़ा सा बाइंग आ गया, ये ऊपर आ गया था। अडानी पोर्ट भी इसमें 1% तो आपको एक क्लियरली मिल गया होगा, जो है कि अडानी पोर्ट और भी अच्छा कर रहा है। तो कल भी आपको अगर चाहिए, अगर इंट्राडे में बाइंग करना है तो कल भी 385 के ऊपर इसमें अगर आपको बाइंग का ट्रेड मिलता है तो आप कर सकते हो। SBI के मैंने जो कहा था बाइंग का लेवल वहाँ पे टच होके फिर से नीचे आ गया 317, और नीचे सेलिंग का जो मैंने सेलिंग का कॉल दिया था कि वो ज़्यादा होगा लेकिन वो हुआ नहीं। 317 की इधर आपको इंट्राडे का कैंडल आप यहाँ पे देखोगे, ओके यहाँ पे उधर से ही रेजिस्टेंस लेके वो नीचे आया, उसके ऊपर नहीं गया, ऊपर जाता तो हमको एक बाइंग का मौका मिलता। अगर जो मौके मिले वो आपको करने, जो नहीं आ गए तो उसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। कल फिर से अगर 317 के ऊपर अगर जो है कि SBI जाता है और सस्टेन होता है एटलीस्ट 15 मिनट, आप उसमें बाइंग कर सकते हो। दोस्तों हम लोग थोड़ा क्रूड का भी चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्रूड का चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ क्रूड ऑयल में। तो मैंने कल आपको कहा था कि जब मार्केट लाइव था 4151 के ऊपर ये बाइंग आएगा और अच्छा एक मोमेंटम उसने किया था। आज जैसे कि ये ओपन हुआ तो ओपन हाई सेम है, तो यहाँ पे ये नेगेटिविटी आज के डेट में ये दिखाया देगा। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग ये चार्ट बड़ा करके देख देंगे, तो यहाँ पे फिर से बाइंग आएगा तो 4151 के ऊपर बाइंग आ सकता है। 4116 के नीचे जैसे कि कल इसने सपोर्ट लिया था वहाँ से ही रिवर्स हुआ, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। आज ये ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छा शॉर्टिंग का मौका मिलेगा। जैसे कि उसने ओपन और हाई सेम बनाया क्रूड ऑयल ने, तो वो लगभग 4171 का है। अगर इंट्राडे में ये भी ब्रेक होता है तो आपको एक बाइंग का मौका मिलेगा और 4102 तक ये जा सकता है। तो ये सभी लेवल आप ध्यान रखो, उसमें आपको जैसे कि 5 मिनट का कैंडल है उसके ऊपर आपको ट्रेड लेना है। दोस्तों अभी वीडियो में मैं जब भी 520 को बना रहा हूँ तो शायद शाम तक मेरा वीडियो रिलीज होने तक शायद लेवल भी चेंज हुए हैं, तो लेवल प्रॉपरली देख के आपको ट्रेड करना है। कल के लिए मैं कुछ और स्टॉक देख रहा हूँ, जैसे कि ये जो कि ONGC, यहाँ पे ONGC हम लोग फुल चार्ट देखेंगे। तो ONGC देखे कि एक अपने कंसोलिडेशन जोन से डायरेक्टली गिरा है। आज PUC जो कंपनीज थे
और जो उसमें ज़्यादा सेलिंग हुआ है, यहाँ पे ONGC का जो अभी रेट है 4116 चल रहा है। ONGC 4115 के इधर यहाँ पे देखें कि एक बहुत बड़ा इस पर एक सपोर्ट है। अगर 4115 के नीचे अगर जाता है तो कल आपको फिर से इसमें एक शॉर्ट का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट जो कोल इंडिया, तो ये भी एक PUC बैंक PUC कंपनी है, पब्लिक सेक्टर, और यहाँ पे भी बहुत एक जो लेवल था, देखिए नज़दीक का ये लेवल ब्रेक करके बहुत बड़ा फॉल दिया है। तो अगर ये कंटिन्यू कल भी होता है तो 191 के नीचे इसको भी आप शॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग HDFC लिमिटेड। तो देखिए HDFC लिमिटेड वैसे देखेगा तो ओवरऑल एक स्टॉक जो है कि ये बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे एक साइडवेज होने के बाद इसने जो कैंडल बनाया आज का वो बेरिश एंगलफिन कैंडल है। तो अगर कल बैंक निफ्टी और भी निगेटिव होता है या बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर निगेटिव होता है तो आपको इसमें एक सेलिंग का मौका मिल सकता है। 2411 के नीचे इसमें आप एक शॉर्ट का मौका देख सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है HDFC बैंक, तो HDFC बैंक का हम लोग थोड़ा चार्ट बड़ा करके देख लेते हैं। तो देखिए HDFC बैंक है ये जो एक रेक्टेंगल बना रहा है यहाँ पे ऊपर यहाँ पे नीचे, और जैसे कि अगर आप देखो तो एक रेक्टेंगल टाइप इसका एक बन रहा है। तो ये रेक्टेंगल में अगर कभी ब्रेकआउट होगा ऊपर या नीचे भी हो सकता है। अभी ये नीचे के साइड में बिल्कुल आया है, तो आपको अगर कल ये 1 2 3 4, ये वो राउंड फिगर है देखो एकदम जैसे मैजिक फिगर 1 2 3 4, अगर 1 2 3 4 के नीचे अगर जाता है तो आपको एक शॉर्ट का मौका मिल सकता है, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पे जोर से यहाँ पे आपको नीचे आ सकता है। लेकिन जब भी लेवल ब्रेक करता है तभी आपको ट्रेड करना है। नेक्स्ट जो स्टॉक है ICICI बैंक, तो ICICI बैंक देखिए कि यहाँ पे उसने एक गैप फिल किया है और उसके बाद ये थोड़ा नीचे आया है। यहाँ पे बहुत बार कोशिश करने के बाद ऊपर से सेलिंग ही आ रहा है, और आज का जो कैंडल बना है बड़ा नेगेटिव कैंडल बना है। तो जैसे कि बैंक निफ्टी नेगेटिव हो रहा है तो ये स्टॉक भी उसको नेगेटिव कर रहे हैं। कल 520 के नीचे अगर आता है इसमें आपको एक शॉर्ट का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेस्ले इंडिया, तो बहुत सारे शॉर्ट के कॉल देखे, मार्केट नेगेटिव रहेगा तो सभी शॉर्ट के कॉल चल सकते हैं, तो मार्केट देख के भी आपको ट्रेड करना है। नेस्ले इंडिया का जो स्टॉक है मुझे पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो इसने जो है कि हर एक हाई ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी हाई करके ब्रेक ऊपर गया था, अभी एक जो नज़दीक वाला ये हाई आ रहा है उसके नज़दीक है, और यहाँ पे जो लो बनाया था वो जो है कि बहुत शैलो लो बना के गया, नज़दीक वाला ही लो बनाया, डीप नहीं बनाया। तो यहाँ पे ऊपर का लेवल जो है ब्रेक करने का कल कोशिश करेगा वो लेवल है 15,595। ये स्टॉक थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको अगर ट्रेड नहीं करना तो ऑब्जर्व तो कर सकते हो। 15,595 के ऊपर अगर ये ब्रेक होता है तो बहुत अच्छी तरह मोमेंटम करेगा, प्राइजेशन भी हो सकता है। कल आप इसको 5 मिनट में ऑब्जर्व करना या ट्रेड भी कर सकते हो। नेक्स्ट है जी, तो देखिए जी का स्टॉक थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि जब भी आप सोचते हो उसमें बाइंग आगा तो सेलिंग आता है, और ये यहाँ पे देखो कभी भी इसका रेड ग्रीन के बाद रेड आता है, फिर भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट के नज़दीक आया इसलिए मैं इसको शामिल किया हूँ। तो थोड़ा ये रिस्की कॉल है, लेकिन ये 305 के ऊपर अगर जाता है कल तो आपको एक अच्छा बाइंग का मौका मिल सकता है, तो आप इसको कल एटलीस्ट ऑब्जर्व तो कर सकते हो। तो दोस्तों इतनी स्टॉक है जो मैंने आपके साथ जो कि शेयर किए, ये मेरे टेक्निकल व्यू से, ऐसा नहीं कि कल मार्केट ऐसे ही चलना चाहिए, इसमें आपको ट्रेडिंग करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए, और आपके रिस्क के हिसाब से इसमें ट्रेड कीजिए। दोस्तों ऐसे ही आपको टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ आके मुंबई थाने में, तो हमारा स्टॉक गुरु दीपक एकेडमी में आके आप सीख सकते हैं, उसके डिटेल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।